दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9 से नवंबर मंथ का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैडम बच्चों, आप लोगों का पहला पेपर 28 नवंबर को होगा और अभी के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर है वो बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिया था, इसलिए मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कैसे आप जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी को डाउनलोड करिएगा और साथ में क्वेश्चन पेपर को भी, तो ये बताने वाला हूँ। ये देख लीजिए, ये रहा ऑब्जेक्टिव प्रश्न और फटाफट से चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। मैं आपको सब्जेक्टिव का जो है उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए मैडम बच्चों, यहाँ पर जो ना सब्जेक्टिव रहा यह प्रश्न देख लीजिए। सब्जेक्टिव में ना आपको पहला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर बनाइए। मतलब 10 क्वेश्चन दिया है, 5 प्रश्न बनाना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको जो ना यहाँ पर कितना मार्क्स मिलेगा प्यारे बच्चों, तो 2 मार्क्स मिलेगा। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न पूछा है कि कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में मुंशी जी अपने बड़े भाई को भाई से कैसे जो है ना उत्सन्न हुए। ठीक है, उत्सन्न मतलब गुस्सा हो गए। चलिए देख लीजिए, खौर मरे कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है प्यारे बच्चों, देख लीजिए। उसके आगे पैरे बच्चों देखिए, गौर मर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया था। उसके बाद गौर मर कि टॉलस्टॉय ने अंतिम बार जो है ना जब घर छोड़ा तो उसके साथ कौन गया। उसके बाद डॉर मल कि कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। चौन मरे पैरे बच्चों की पलक पावड़े शीर्षक कविता में रौली भरी थाली, रौली भरी थाली का क्या आशय है। उसके बाद छौन मरे कि गुड़िया नृत्य किसे कहते हैं। जौन मरे पैरे बच्चों, कवि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लीजिए क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से ठीक है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो ना जोर मरे कि बिहार में लोक गीतों में किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है जो है कि संधि किसे कहते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, सभी का उत्तर मैं आगे ना बताऊंगा। उसके बाद देख लीजिए, दो नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो ना 150 से 200 शब्दों में आपको जो है क्या लिखना है। तो निबंध लिखना है प्यारे बच्चों, निबंध लिखना है। देख लीजिए, इसके लिए आपको सीधे 6 कितना मार्क्स मिलेगा, तो सीधे आपको 6 मार्क्स मिलेगा। तो देख लीजिए क्या क्या, तो एक तो दुर्गा पूजा है, दूसरा है स्वास्थ्य की महत्व, और गौर मन में दिया है मेरे जीवन का लक्ष्य। उसके बाद गौर मन दिया है स्वतंत्रता दिवस। तो मैं आपको ना इनमें से किसी एक और बता दूंगा, आपको अगर खुद बना पाते हो तो बना लेना प्यारे बच्चों। अब देखो, 3 नंबर जो क्वेश्चन पूछा ना पूछा, निम्नलिखित गणांशों को पढ़ करके नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 5 मार्क्स मिलेगा, मतलब 5 प्रश्न एक एक नंबर का। ठीक है, तो ये सभी गणांश है, आप लोग इसको ना थोड़ा देख लीजिए प्यारे बच्चों। गणांश है, सिर्फ देख कर ही उत्तर लिखना, ये गणांश ना देख लीजिए, ये पूरा का पूरा है, इसको देख करके आपको जो ना उत्तर लिख लेना है। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, मैं सभी का उत्तर देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, कौन उम्र की भारत की परंपरा नारी को कहाँ रखना चाहती है। उसके बाद कौन उम्र है कि नौकरी ने नारी को क्यों जो है ना क्या दिया, नौकरी ने नारी को क्या दिया। उसके बाद पूछा है प्रश्न कि किस कारण से दो भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर हो गई। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, कौन उम्र पूछा गया कि आज के पुरुष नारी का साथ किस तरह निभाने लगे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर रहा ये पूछा गया, आज की नारी कैसी हो गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न पूछा है कि अपने छोटे भाई के पास एक समाचार पत्र के अध्ययन का महत्व तो बताते हुए पत्र लिखना है, और 8वां में अगर आप लोग ऊपर का बनाएगा तो नीचे का नहीं बनाना है। तो मैं ना नीचे वाला ही बनाऊंगा प्यारे बच्चों, यात्री और टिकट बाबू के बीच में जो है ना बातचीत हम बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख लीजिए, ये रहा पहला नंबर का क का उत्तर लिखा हुआ, तो मैं ना पढ़ देता हूँ। देख लीजिए उत्तर होगा, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। ये जो थे ना, ये उस जमाने की बात है जिस समय अंग्रेजी शासन अंग्रेजी वाले लोगों की संख्या बहुत थी, इसीलिए उर्दू भाषा पढ़ने वाले ऊँचे अहदे प्राप्त करते थे। मुंशी जी अपने बड़े भाई के मरने के बाद उनके घोड़े को जो ना बेचकर उनका क्या कहता रीजन क्या था, उनके आत्मसम्मान क्या था। ठीक है, उनका जो ना सम्मान होता है ना जलाया जाता है वो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ना पहला का एक ख नंबर का उत्तर है, क्योंकि इसमें भी बनाना था ना 4 प्रश्न प्यारे बच्चों, 5 प्रश्न। तो देखिए प्रयोग होता है कि कलात्मक का महत्व होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का ही ना पहला नंबर का जो है ना गोवा का उत्तर है। देख लीजिए उत्तर होगा कि 7 जुलाई 1996 बंबई में वाटसन हॉल में प्रथम सिनेमा हॉल एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस कलकत्ता 1960 में जो ना जेएफ मैदान ने बनाया था, प्रथम नगर जहां फिल्म निर्माण हुआ बंबई 1912 में। ठीक है, तो ये था पहला का गोवा का उत्तर प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए पहला का का ये रहा उत्तर, और इसको देखिए उत्तर होगा, प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण जब धरती पर गिरती है तो आकाश लाल रंग से भर जाता है, ऐसा लगता है मानो रौनी से भरी
थाली सजी हो, जहाँ यहाँ कवि ने जो है ना किरणों को रौड़ी और आकाश को थाली से संबोधित किया है। प्रस्तुत कविता प्रातः काल की जो ना दुर्दता का वर्णन है। इसके आगे थोड़ा और उत्तर है, वो वर्णन किया है प्यारे बच्चों। तो ये उत्तर हो गया। चलिए अपना जो है पहला का ही छ का उत्तर लिखा गया प्यारे बच्चों। तो पहला का छ का उत्तर होगा कि गुड़िया नृत्य एक बंगाली शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। इसका जन्म बंगाल के गौड़ा अथवा गौड़ से होता है। महुआ मुखर्जी के द्वारा इसे खंगाला गया है। संगीत नाटक अकादमी ने इस कला को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान लिया है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका उत्तर पहला का छ का। अब देखिए दो नंबर का उत्तर क्या रहा प्यारे बच्चों, देख लीजिए। दुर्गा पूजा पर हम निबंध लिखे हैं। दुर्गा पूजा के 10 दिनों के दौरान पंडालों में सुंदर नक्शा सीधाल दुर्गा मूर्तियां की पूजा की जाती है। राक्षस जो ना महिषासुर पर, इसके आगे पढ़ देते हैं बैठे बच्चों, ठीक है। इसके बाद महिषासुर पर दुर्गा देवी की जीत हुई, जीत के उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत का प्रतीक। दुर्गा पूजा सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्वादिष्ट भोजन एवं सद्भाव का समय है। तो चलिए बैठे बच्चों आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ना तीन नंबर का उत्तर दिया गया प्यारे बच्चों, तीन नंबर का क उत्तर है। तो उत्तर होगा चुनाव सुधार मत पत्र भारत की परंपरा नाली को घर गृहस्थ तक सीमित रखना चाहती है। इसके आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसके आगे जो है ना तीन नंबर का ख का उत्तर होगा। ग के बाद ख ना आता है। चलो, समाज चाहता है कि नारी को पहले की तरह घर गृहस्थ के भी सारे कार्य पूरे करे, जिसके कारण जो है ना वह दो दो भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर हो गई। तो प्यारे बच्चों इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ना तीन नंबर का घ का उत्तर है, ठीक है। देखिए उत्तर होगा धीरे धीरे वह गृहस्थी के रूप कुछ कामों से ना मुक्ति पाने लगी, क्योंकि पुरुष भी उसका साथ निभाने लगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ना घ का मैंने बता ही दिया प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है ना र का बताते हैं। तीन का र का उत्तर होगा प्यारे बच्चों कि भारत की परंपरा नारी को गृहस्थी तक सीमित रखना चाहती है, परंतु आज की नारी आधुनिक हो गई है। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो है ना अथवा में बताया था टिकट बाबू और जो टीटी था उसके बीच में संवाद, तो मैं इसको भी पढ़ देता हूँ। देखिए, जो टिकट चोर चेकर जो आया वो बोला कृपया मुझे अपना टिकट दिखाओ। उसके बाद यात्री बोला मेरा टिकट तुम गुम हो गया है। तो टिकट चेकर बोला कि यह बहाना मैंने पहले भी सुना है। तो यात्री बोला सॉरी लेकिन मेरे पास कोई टिकट नहीं है। इसके आगे आप लोगों को प्यारे बच्चों देख लीजिए क्या लिखना है। तो इसके आगे लिखना है, देख लीजिए, लिखना है कि टिकट चेकर जो बोला, देख लीजिए, लेकिन टिकट चेक कर रहा था टिकट नहीं होने की वजह से आपको जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। ये टिकट बोला जो टिकट चेक कर रहा था। यात्री फिर बोला कितना जुर्माना। तो टिकट चेकर बोला कि 500 रुपये। तो यात्री बोला कि यहाँ तक की टिकट की कीमत भी 250 रुपये है, आप मुझे 500 रुपये कैसे चार्ज कर सकते। तो टिकट चेकर बोला अच्छा ठीक है, मुझे 300 रुपये दो और मामला रफा दफा करो। इसके आगे देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसके आगे लिखना है, यात्री बोला कि भ्रष्टाचार करते हो तुम, सीधे से मेरी टिकट बनवाओ और अगर जुर्माना लगाना है तो उसकी रसीद दो। तो टिकट चेकर बोला कि ठीक है मैं आपकी टिकट बनवा देता हूँ। तो टिकट चेकर फिर बोला कि अपनी टिकट दिखाओ। तो यात्री बोला ये रही मेरी टिकट। तो उसके आगे देखिए प्यारे बच्चों, उसके आगे होगा कि टिकट चेकर बोला कि पर यह टिकट तो जो है ना जनरल डिब्बे की है और तुम एस्पीलर डिब्बे में बैठे हो। तो यात्री बोला वो क्या है कि ट्रेन छूटने वाली थी इसीलिए जल्दी जल्दी में मैं कुछ समझ नहीं आया, जो डिब्बा मिला उसी में मैं चढ़ गया। तो इतना ही लिखना था, इसके आगे थोड़ा और लिखने पर बच्चों। तो देखिए टिकट चेकर बोला कि चलो ठीक है, जैसे ही अगला स्टेशन आए उतार कर जो ना जनरल डिब्बे में चले जाना। तो यहाँ पर यात्री बोला जी धन्यवाद सर, आपने मेरी समस्या को समझा। तो टिकट चेकर बोला बेटा हमने भी बहुत सरकारी परीक्षाएं दी है, ऐसे ही रेलवे में भर्ती नहीं हो गए। यात्री बोला कि क्या आप मेरी एस्पीरर की टिकट नहीं बनवा सकते हैं। तो टिकट चेकर बोला कि बनवा दे तो सकता हूँ, पर सॉरी सारी सीटें जो ना फुल है, ऐसे ही बैठकर जाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा, इसके आगे देखिए
इसके आगे यात्री क्या बोलता है कि यात्री आप बस बनवा दीजिए, कम कम से कम जनरल में जो ना धक्के खाने के बजाय तो बच जाएंगे। तो इसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा सा और आपको लिख लेना है और इसमें लिख लेना है, तो यात्री बोला आप बस बनवा दीजिए, तो ये तो होगा। उसके बाद टिकट चेकर क्या बोला कि ठीक है 125 रुपये दो और यही रही तुम्हारी टिकट। यात्री बोला ये लीजिए आपके पैसे और टिकट बनवाने के लिए धन्यवाद सर। तो चलिए फटाफट से मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बता देता हूँ प्यारे बच्चों इसको कैसे डाउनलोड करेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ये रहा मेरा नंबर, इस नंबर पर अगर मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं काम करे तो 6968980595 पर हायर क्लास 9 लिख करके आप लोग भेज देंगे। और चलिए फटाफट से आपको डाउनलोड, लोगों को जो है ना पेपर डाउनलोड करना है तो गूगल या क्रोम में चले आना है। और आप लोगों को ना जो चैनल अभी देख रहे हो जिस चैनल में वीडियो मिथुन स्टडी सेंटर, प्यारे बच्चों बस इतना ही आकर के आपको गूगल में जो है ना या क्रोम में सर्च कर लेना है। मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करेंगे ना आप लोग तो आपके सामने फर्स्ट में ही जो ना वेबसाइट आएगा प्यारे बच्चों, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यह पूरा का पूरा आपके सामने खुल जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस टाइप से खुलेगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ना थोड़ा सा नीचे आना है आराम से, ठीक है आराम से आइए नीचे। आपको ना यहाँ पर क्लास 9th का एक सेशन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और आना है, ठीक है। अब देखो इसमें आने के बाद ना यहाँ पर देख लीजिए ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पेपर डाला गया। जैसे आपको हिंदी का डाउनलोड करना है ना, हिंदी के सामने डाउनलोड का बटन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो है ना ओपन आपके सामने हो जाएगा इंटरफेस। तो जैसे ही ओपन होगा तो प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा आपको नीचे करना है, तो देख लीजिए ये रहा ऑब्जेक्टिव कैप्टर पहले से ही डाल दिया गया, तो ऑब्जेक्टिव का आप लोग यहाँ से देख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसको देखने के बाद अब ना यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्टिव का भी, जैसे ही वीडियो देख करके आप लोग जाएंगे ना तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव का आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।